ट्रंप ने क्यों की ईसाइयों से अपील कि बस इस बार वोट दे दो, अगली बार जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया। अमेरिका में 5 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद अजीब बयान दिया है। उन्होंने ईसाइयों से कहा कि अगर वह नवंबर में उन्हें वोट देते हैं तो उन्हें अगली बार वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप ने फ्लोरिडा में कंजर्वेटिव ग्रुप टर्निंग पॉइंट एक्शन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ईसाई आबादी बड़ी तादाद में बाहर निकलकर वोट करे, सिर्फ इस बार, इसके बाद उन्हें वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईसाइयों से मैं प्यार करता हूं, मैं खुद एक ईसाई हूं, आपको बाहर निकलकर वोट करना होगा, 4 सालों में आपको वोट नहीं करना होगा, ये हमारी गारंटी है। इसमें पहले दिसंबर में फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो वह तानाशाह बनेंगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, ताकि मेक्सिको के साथ लगी दक्षिणी सीमा को बंद कर सके और ऑयल ड्रिलिंग का विस्तार कर सके। हालांकि इस बयान पर विवाद बढ़ने पर ट्रंप ने इसे सिर्फ मजाक बताया था। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से होगा। कमला हैरिस दरअसल बाइडेन के स्थान पर चुनाव लड़ेंगे। बाइडेन ने देश हित की बात कहकर राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। इस दौरान एक गोली ट्रंप के दाहिने कान की ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई थी। ऐसे में ट्रंप के कान से खून छलछला उठा था। तभी वहां पहुंचे सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर कर घटनास्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। ट्रंप के बाल बाल बचने के बाद कहा गया था कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न करने का फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। तभी फायरिंग हुई और गोली उनके कान को छूकर निकल गई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएफ 24 न्यूज के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।